मेरी बुआ जी की बहू है, ये मेरी बुआ जी की बहू है। इन्होंने बोला था बहू ऐसी लेके आएंगे सारी उम्र नहीं बदलेगी, एक जैसी रहेगी, पर नहीं बदल गई, चश्मा लग गया। शिफा इधर आ। हैं? कुछ नहीं, मैं थोड़ा बस अच्छा हुआ मुझे भुला लिया। क्यों? थोड़ा थोड़ा मेकअप लगा हुआ था मेरे फेस में। शिखा जब भी वीडियो बनाऊं शिखा को ये होता है मेकअप होना चाहिए। शिखा नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं, मेकअप के बिना मैं बनाती हूं व्लॉग। हां फिर फिल्टर लगाती है ना। फिल्टर तो मैं मेकअप पे भी लगाती हूं गाइस। यस, किसी को आप ये तब पे खोलता मैं। किसी को डबल मेकअप की जरूरत होती है। ये उनमें सही है। मम्मा आना या नहीं आना, क्या हो गया घर च, की हो गया दस मेनू, क्यों इतना बुला रहे हैं सारे नु? तुझे नहीं पता मैं कितना खुश हूं, आज मेरी बुआ जी आ रहे हैं। कितने महीनों के बाद अपनी बुआ जी को मिलने लगा हूं। तो बुआ जी को भी बताना आज। जी आज बुआ जी आ रहे हैं। मैं आज बड़ी खुश हूं। खुश क्यों? खुश क्यों? ले की मेरे पांव जमीन पे नहीं लग रहे। नहीं नहीं रीजन। एक सेकंड शिखा कहते मेरे पांव जमीन पे नहीं लग रहे। मम्मा ये जमीन पे ही लगे हैं। अरे जमीन पे नहीं लगे, चप्पल पे लगे। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, आज मेरी बुआ जी आ रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा, ये भी एक बुआ है, तुझे पता है। और इनके भतीजे भी इतनी तारीफ करते हैं, भतीजे भतीजी हैं कि हमारी बुआ बड़ी अच्छी है। ठीक है, और मेरी बुआ भी आज आ रही है ना, मैं भी उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ जो हमारी बुआ जी आ रहे हैं। यहाँ अमृतसर में रहते हैं, एक प्योर आत्मा जिसको बोलते हैं सोल, प्योर सोल, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है ना। मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ शिखा, तू भी किसी की बुआ बनने वाली है, तूने भी वैसे ही प्यार देना है। मैं दूंगी, मैं अपना पूरा प्यार दे दूंगी गाइस। नहीं मैं अच्छी बुआ बनके दिखाऊंगी, पक्का श्योर, प्रॉमिस प्रॉमिस। मैं अच्छी दादी। हाँ, और दादी तो देखो आजकल की अपकमिंग मॉम। जब बच्ची के साथ जाऊंगी मुझे इतनी बोलेंगे वो मासी जा रही साथ में। ओए भाई साहब मुझे मारो। हुसन आ रहा मुझे। एक सेकेंड, इसको हुसन बोलते हैं मम्मा? हाँ सारे बोल रहे हैं। बेटा करके किसको बोलते हैं? वो डैडी बताएंगे किसको बोलते हैं। आंटी दीदी जो भी मुझे बोलते हैं। आंटी बोला, दीदी खुद लगा रहे हैं। नहीं नहीं मुंह से क्या निकला, आंटी निकला कि दीदी निकला? आंटी बोलना है, किसी ने भाभी बोलना है, किसी ने मेरी दीदी बोलना है, सारे बोल रहे। जब आपने खुशी सुनी ना साक्षी बारे, ज्यादा सुंदर हो गई हो। वाए देखो, इसको बोलते हैं मियां मिठू। अपनी तारीफ खुद करना यार, खुद करनी चाहिए, कोई ना करे यार। पर मेरी मेन आज टॉपिक क्या है, आज बुआ जी आ रहे हैं, बात जल्दी खत्म करेंगे। बुआ जी आ रहे हैं और ये मेरी लाइफ के ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं जो चाहते थे मणि के घर बच्चा हो, पर मणि मानता ही नहीं था। नहीं, पर बुआ जी हमारे कह कह के थक गए हैं कि बच्चा होना चाहिए, तो मैंने सोचा आज वो खुशी आई है ना। मैं ये खुशी बुआ जी को फोन पे भी दे सकता था मुंबई, पर मैं स्पेशल मुंबई से अमृतसर आया कि ये बात हम उनको खुद बताएं, तब उनके फेस पे। और कैसे बताएंगे वो आपको पता चल जाएगा, हमने जो सोचा हुआ है। तो ये खुशी मैं चाहता था उनकी पूरी फैमिली के साथ, उनकी बहू, उनका बेटा, उनके बच्चे आगे, उन सबके साथ शेयर करूं, और तब देखूं वो क्या हाल होता है। तो अभी कुछ ही देर में बेल नहीं बजेगी। क्यों नहीं बजेगी, मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि हमारे घर की बेल खराब हो गई है। ये यार ये सीन सेंसर करने पड़ते हैं यार। तो अभी अच्छा एक सेकंड, लोगों को कि ये झूठ है, मुझे झूठ नहीं बोलना आता। अच्छा उसमें लिखा होगा गुड न्यूज, वो उसको हम एक साथ करके जो हैप्पी बर्थडे वाले गोल्डन कलर के हम लगाते हैं जब बर्थडे होता है, वैसे करके हमने मंगवा लिए हैं, और उसपे लिखा होगा गुड न्यूज, वो हम फुला के ना
यहाँ पे रख देंगे, है ना, तो यहाँ पे रख देंगे और उनको गेस करना, जैसे वर्ड्स ना अलग अलग होंगे अल्फाबेट्स, तो उनको अच्छे से पूरा सजा के उनको बताना कि हाँ जी डबल ओ डी जो भी होगा, तो वो अपने तरीके से करेंगे, हमें वो वाला वर्ड चाहिए कि वो गुड न्यूज बता दे, मतलब बना दे, फिर उनको शायद अंदाजा लग जाए कि वाओ इस घर में तो गुड न्यूज तो नहीं है, तो मनी लग जाएगा ना उनको अंदाजा। इससे पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करना? जब वो आएंगे ना उससे पहले तुझे कुछ करना है। क्या डांस मनी करना है? यहाँ पे चल एक सेकंड, चल 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 चल, यहाँ पे खड़े हो गए ना, वो कैमरे में देखते रहना तूने, पता क्यों? क्योंकि घर की बेल बंद है, तूने बस ध्यान रखना वो कब आए हमें बताना है, मैं दरवाजा खोल दूंगा। मैं सुबह का थक गई हूँ डाइनिंग टेबल के बैठ बैठ के। तो बेल ठीक क्यों नहीं करवाते? दो बार दूध वाला वो भी चल गया। खुशियां करवा लेंगे, करवा लेंगे, ठीक है। अब बैठो यहाँ पे वेट करो, ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओह माय गॉड, ब्लॉगिंग हो रही इधर भी। हेलो जेली, हेलो, होटल मिल रहे हो? ओह सभी स्पेशल, हेलो, उदास हो गए सारे। हेलो, गली के अंदर चार दिन की वेटिंग कितनी। तो यहाँ यहाँ पर अभी मिलन शिलन हो रहे हैं, आ जाओ बाजा। क्या हाल चाल बुआ जी? देखो जी, एक सेकंड। ये मेरी बुआ जी की बहू है। ये मेरी बुआ जी की बहू है। इन्होंने बोला था बहू ऐसी लेके आएंगे सारी उम्र नहीं बदलेगी, एक जैसी रहेगी, पर नहीं बदल गई, चश्मा लग गया। एक जैसे हो गए ना अब सास बहू, वो भी जरूरी है। कभी सास भी ये मेरा भाई है। हाँ। ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ तारीफ क्यों करनी है। शक्ति चंगा रहा ना, अंधे रोस्ट हो गया तेरा। मेरी इज्जत तो लगी थोड़ी सी, पर मेरी बेइज्जती हो गई। और ये विनायक है, इसकी कार्तिक है, ये दो मिनट कार्तिक है। विनायक कौन है मेरा छोटा? विनायक को मिलना भूल गया। उठ गया जी मिसना। नहीं नहीं मिसना एक नंबर था, उठ गया ही। बैठो बैठो तो सुनाओ। दोस्तों एक बार दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, ये मेरी बुआ जी है और ये इनकी बहू है जो बदल चुकी है। हाँ, नहीं नहीं बदल चुकी है, आपने देखा और हाँ इसका नाम भी साक्षी है। और रुकावट के लिए खेद है, सीधा सिंपल। तो दोस्तों आपको अभी बता दूं, ये इनका हस्बैंड है और इसकी एक तारीफ है बंदे की, हैं, ये वाइफ के बिना कहीं नहीं जाता। अच्छी बात है ना। मम्मी दुबई जा रहा है अकेला, अच्छी बात है। वाइफ के बिना नहीं, मतलब वाइफ के बिना कहीं नहीं ना जाता। अच्छा, रास्ते में किसी ने किसी की वाइफ ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कंगारू निकले था बच्चा दे। क्या हो रहा बच्चे, क्या कौन सी चीज जो आपको बैठने नहीं देती अच्छे से, हाँ बताओ। ये वीडियो देखने के बाद कोई भी इनको अपने घर पे इनवाइट नहीं करेगा बच्चों को। दोबारा दोबारा तो बोलनी, क्या है, क्या है? बच्चा गया काम करने और मम्मी ने बोला मैं आई, इसका काम करने गया बच्चा। अच्छा, गया है। बच्चा गया काम करने, मम्मी ने कहा मैं आई, मम्मी ने कहा मैं आई, मम्मा ने मैं कहा मैं आई, मैं आई। बच्चे कह रही है कि तू चल, मैं नहीं आनी है, रुक जा दसी ना। हेलो, फिर बेड़ा गर्क जो कहते ये खुद बनाता ना। आ एक सेकंड, नहीं नहीं एक सेकंड, शिखा आंसर ले, आंसर ने क्या मैं चला काम करन। हाँ, मम्मी ने क्या मैं आई, हाँ की काम आई कमाई, क्योंकि वो करने भी थे कमाई गया ही। बच्चा छोटा है, अगर मैं हाथ उठाऊंगा तो आप बोलोगे विवाद हो जाएगा। उठा लो हाथ। बच्चे ने बोला मैं आई, बकवास, जीरो जीरो, तेरे प्राण ने बेड़ा गर्क करता, टाइम वेस्ट करता। नहीं टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इसका आंसर यही है कम आई। तो आई क्रिएटिव बच्चे, नहीं क्रिएटिव बच्चे।
ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁਝਾਰੇ ਤੇ ਪਈ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਬੁਝਾਰੇ ਤੇ ਪਾਗੇ ਇਸ ਕਿਚਨ ਮੇ ਇੱਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਪੱਕਾ ਰਹਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਲੋ ਦੋ ਸਾਕਸ਼ੀ एक म्यान में जैसे दो तलवारें नहीं रह सकती एक किचन में दो साक्षियां नहीं रह सकती है। रह सकती है अगर काम करती रहे बराबर चलो काम करो अपन ना करवा के भी रख लेंगे पकौड़े पकौड़े ओ भैन दे पकौड़े अपने बाउल नहीं देखा ना थोड़ी देर रुक जाओ ये बच्चे आ गए अब इसमें नूडल्स नहीं देखोगे आप ये कैसे गायब होंगे अपने जादूगर करके खाएंगे भाई साहब बच्चों की आंखें कहाँ हैं बच्चे की नजर कहाँ है ओ अच्छा इधर है बच्चे की नजर छुपा ली ओए होए होए आंखों से खा रहा है आंख ओए ओए होए ओए होए होए मैं पूछने लगा था बच्चों शर्माना ना खाने में उसने दो प्लेट लगा ली अपनी हैं लाइक बच्चे ये आपने मेरी प्लेट लगाई है हैं अरे थैंक यू अब आपने बोल दिया ना इतने बोल दें अब ये आप ही खाओ एक बार बोला साथ ही पीछे कर ली प्लेट घोड़ा मारा गया घोड़े बहुत ज्यादा बड़े इस बार फिर होगा क्या होगा मेरा तो मम्मा का क्या है पकौड़े बड़े अच्छा कार्तिक इस वीडियो के बाद मेरे चैनल के लिए एक गेम होनी चाहिए गेम हाँ गेम मैं अपने साथ दिखलाऊंगा तुझे ठीक है बाकी ये डाइट पे है साक्षी हाँ। बाकी ये डाइट पे है अपनी अपनी प्लेट नहीं लगाएगा दूसरों की प्लेट से खाएगा इसीलिए मेरा नाम ना आ जाए ना हाँ। तो दोस्तों किसी ने बहुत सही कहा है खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए इसलिए हम बातें बंद नहीं कर सकते ब्लॉग बंद कर सकते हैं तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अभी हम खेलेंगे गेम जो मनी खिलाएंगे हमें मैं आपने बोला ना कमेंट देखा कि नहीं आंदे ही उधर अभी तो आपने बोला कार्तिक को और उसने उन्होंने बोला कहते किसी समझदार बच्चे के साथ खेलेंगे तो हमारे पास कोई समझदार बच्चा ही नहीं है हाय समझदार भी हो रही थी मैं काफी दिनों से ना एक बात बताना चाहता था अपनी ब्लॉगिंग के लिए वो टीचर वाली बात मेरी एक टीचर है शक्ति इधर आई यार हाँ मैंने मुंबई में कहा था कि मैं अपने एक टीचर की बात आपके शेयर करूंगा पर मैं चाहता हूँ उससे पहले शक्ति अपनी कोई बात शेयर करे कोई स्कूल वाली बात कोई भी स्कूल वाली बात जो तुम्हें लगे कि मेरी ये बात है चल शक्ति यार कोई सच्ची वाली बात कोई शेयर कर दे पहले आप बताओ नहीं मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी टीचर्स मतलब ऐसे वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई मैंने माफी मांगना चाहता हूँ शिखा मेरे साथ पढ़ती थी शिखा को नहीं पता शायद कोई कैमरा पकड़ेगा इधर आके हैं चलो आया हाँ जी तो मैं बैठ गया हूँ कैमरा इस वक्त है कार्तिक के हाथ मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कहते अपने बचपन की कोई बात बताओ जिससे आपको पछतावा भी हो और हंसी भी है तब मुझे हंसी नहीं आई थी वो पछतावे में मेरी बुआ जी एक टीचर थी हैं मेरी एक टीचर थी तो मैं कार्तिक की जितना था तो स्कूल में गया तो मुझे ना टीचर ने पूछा आपके पापा क्या करते हैं तो मैंने उनको बोल दिया कि वो ऐसे सुनाता था तो बेटा आपने डिस्टर्ब करने की कसम खाई हुई है गौर से देखिए ये चेहरा जब भी मैं कोई परेशान करता हूँ यही बोलते जो टिंटू भाई को देखते हैं टिंटू भाई ना पटाखे लाया अनु भाई को अपना कोई यार अनु गड्डी से चक्कर लाया
मनी चाचू भागते फिर टीचर को कहीं फोन ना मिल जाए। ये देखो गौर से देखिए ये चेहरे, एक साक्षी दो साक्षी। थकावट हो गई यार, मैंने 5 मिनट आपके बच्चे के साथ बिताया, आप तो पूरा दिन रहते उस बच्चे के साथ। गया यार मैं तो, हमें थकने की आदत हो चुकी है। मेरा टीचर कहती आपके पापा क्या करते हैं, मैंने बोला सुनार का काम है, तो कहती अच्छा तो वो मेरे लिए नेकलेस बना देंगे। उसने वर्ड यूज किया था नेकलेस, मेरी टीचर ने दूसरी टीचर ने देख लिया जब ये मेरे से बात कर रही थी, मुझे मेरी टीचर ने बुलाया, कहती इधर आओ, वो टीचर तेरे से क्या बात कर रही थी। अब उसने बोला था नेकलेस, आते आते नेकलेस का कुछ और ही बना दिया। मैं कहूँ ये इंग्लिश आती कम थी तो बोलना नहीं आया, मेरे को लगा हिंदी में यही कहते होंगे। मैंने कहा वो पूछ रही थी अपने पापा को, बोल लो मंगलसूत्र दे देंगे। ये बात पहुंच गई प्रिंसिपल के पास, तो मैंने को प्रिंसिपल ने बुलाया, कहती बेटा इधर आ, अपने प्यार से पहली बार बुलाया इधर आ। तो कहते वो क्या बोल रही थी मैडम, मैंने कहा वो बोल रहे थे मंगलसूत्र डैडी दे देंगे। ये बात ना ये टीचर के सामने बोल सकता है, अपने पापा से मंगलसूत्र दिला दे। वो मैडम इतना परेशान, अब मैं अपनी जगह सही, मैं नेकलेस को मंगलसूत्र बोल रहा हूँ, वो कह रही मैं मंगलसूत्र मांगा ही नहीं इससे। वहां से वो निकल गई, उस टीचर को बहुत डांटा प्रिंसिपल ने लड़की को। उसके बाद वो टीचर ने जो बड़ा हंसी निकाली मुझे क्लास में बैठा के ना, जैसे मान लो ये मम्मा ये मेरा फेस है, मुझे अकेला बैठाया उसने, सच्ची कहा बेटा नहीं नहीं थोड़ा सा मारना पड़ेगा, सच्ची कहा, सच्ची बता मैंने आपसे मुंडा सूत्र मांगा था, आप बोल दो हाँ, कब मांगा था मुंह से। फिर उसके बाद मेरे बाल पकड़े मैडम ने, कहती अब बता मैंने मंगलसूत्र मांगा था, बाल पकड़ो। तो ये बात काफी साल के बाद हुआ मुझे ये पता लगा, नेकलेस अलग होता है मंगलसूत्र अलग होता है। तो मैं अपनी टीचर से माफी मांगना चाहता हूँ, तो ये बात थी मेरी। अब मैं चाहता हूँ शक्ति को अपनी स्कूल की ऐसी बात सुनाए पर इंग्लिश में सुनाए। ये बातें नहीं हो सकती क्योंकि मेरे साथ भी ये पड़ा हुआ है, और मुझे पता कोई बात अगर 1 मिनट की है ना तो उसको सुनाने में 2 दिन जाएंगे। चलो शक्ति कोई बात शेयर, कोई भी कुछ भी स्कूल का इंसिडेंट, मुझे अभी याद नहीं है। नहीं मैं याद करवा दूं। उनके लिए एक ये सच्ची बात है, फुफड़ जी हमारे बुआ जी को जितना लाइक करते हैं नहीं, और शादियों में क्या होता है जैसे आज शादी हुई, 1 साल बाद या 2 साल या 3 साल बाद प्यार कम होता रहता है, इधर बढ़ता ही जा रहा है। और वो तो बहुजी है, लोग और ये बड़ी अच्छी बात है, पर इससे बुआ एक नुकसान भी हो सकता है। क्या कौन सा नुकसान? यार घर पे 2 बहुएं पड़ी हुई हैं, उन्होंने कहना उनको देखो यार वो कितना प्यार करते हैं। अपने बेटे का घर ज्वाइन का पूरा प्लान है इनका, पूरा प्लान है, लेकिन मैंने मैनेज कर रखा हूँ। हाँ नहीं मैं बताता हूँ, जब ये साक्षी को थोड़ा सा गुस्सा आता है शक्ति साथ ही बोलता है 1000 रुपया।